दोस्तों इस बार हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एनाकोंडा पार्ट 3 जो कि है एनाकोंडा 3 ऑफ स्प्रिंग। तो दोस्तों अगर आपने एनाकोंडा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनाकोंडा 3 मूवी के स्टार्टिंग में हम एक टीम को देखते हैं जो एनाकोंडा को पकड़ने के लिए एक जंगल में जाते हैं, और जब वह सभी एनाकोंडा को ढूंढ रहे होते हैं तभी अचानक से एनाकोंडा वहां आकर उस टीम के एक मेंबर पर ब्लड एसिड फेंक देता है और वह सभी एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उसे गन से इंजेक्शन मार रहे होते हैं। फिर वो एनाकोंडा वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर हम मर्डॉक को देखते हैं जो अपनी लैब में आता है और वह पिंकुस पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है और बताता है कि गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि हम गैर कानूनी काम करते हैं और जानवरों पर अपनी बनाई हुई दवा का इस्तेमाल करते हैं। मर्डॉक पिंकुस से कहता है कि वह कैसे भी करके इस मसले को जल्द से जल्द खत्म करे, और पिंकुस मर्डॉक की लैब का सुपरवाइजर होता है। फिर मर्डॉक लैब के डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उसको बताते हैं कि उन लोगों ने ऑर्चिड के फूलों से एक सीरम बनाया है और वह सीरम जो है इंसानों पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है और दूसरे प्रकार के जानवरों पर भी काम नहीं करता है। यह सिर्फ और सिर्फ एनाकोंडा पर ही काम करता है और इससे इसका शरीर और भी बड़ा हो रहा है। और फिर हम अमेंडा को देखते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट की हेड होती है। वह मर्डॉक से कहती है कि आपने जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है दो एनाकोंडा को एक ही चैम्बर में रखने की, ये एनाकोंडा के लिए बहुत ही कम है, और हमने जो सीरम बनाया है इससे मेल और फीमेल एनाकोंडा दोनों के ही शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए हमें चैम्बर चाहिए और कुछ आदमियों की भी जरूरत है इन एनाकोंडा से बचने के लिए। और फिर मर्डॉक अमेंडा की बात मान लेता है। फिर वो लैब का डॉक्टर और अमेंडा वहां से चले जाते हैं और अमेंडा उस डॉक्टर से कहती है कि मर्डॉक कैंसर का मरीज हो चुका है और इसलिए वह इस सीरम को इंसानों पर इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बनाना चाहता है जिससे वह भी उसकी जिंदगी में मरने से बच सके। और वो डॉक्टर अमेंडा को समझाता है कि हाँ मर्डॉक ऐसा कर रहा है लेकिन अगर यह मिशन सक्सेसफुल हो गया तो इससे बहुत सारे इंसानों की जान भी बच सकती है। और मर्डॉक चैम्बर के पास जाता है और लाइट ऑन करके एनाकोंडा को देख रहा होता है। फिर तभी एनाकोंडा चैम्बर पर अटैक करने लगता है जिससे चैम्बर का ग्लास ब्रेक होने लगता है और फिर वे लोग चैम्बर के अंदर बेहोश होने वाले गैस को भी छोड़ते हैं और उन्हें लगता है कि एनाकोंडा शांत हो चुका है। लेकिन उसी वक्त एनाकोंडा चैम्बर को तोड़ देता है और वह अपने दुम से एक आदमी को बेरहमी से मार देता है और फिर मर्डॉक और पिंकुस वहां से भाग जाते हैं। फिर एनाकोंडा वहां के सभी वर्कर्स को जान से मार देता है। पिंकुस मर्डॉक को लैब से बाहर ले जाता है। अमेंडा और वो डॉक्टर पूरे लैब में गन लेकर एनाकोंडा को ढूंढ रहे होते हैं बेहोश करने के लिए और उन्हें हर जगह बुरी तरह से मरे हुए लोग मिलते हैं। और फिर तभी एनाकोंडा डॉक्टर के सामने आ जाता है और उसे जगड़ लेता है और अमेंडा वहां से भाग जाती है और एनाकोंडा डॉक्टर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जिस एनाकोंडा ने डॉक्टर को मारा था वो मेल एनाकोंडा था और अब अमेंडा कैमरे में देखती है कि मेल एनाकोंडा ने फीमेल एनाकोंडा को भी वहां से आजाद कर दिया है। फिर मर्डॉक पिंकुस से कहता है कि कैसे भी तुम दोनों एनाकोंडास को मेरे पास लाओगे, और फिर वहीं पर पिंकुस की हायर की हुई टीम आ जाती है और उस आदमी के नाम ग्रोसनी होता है। और फिर हम हैमेट को देखते हैं जो एक बार में लोगों से लड़ रहा होता है और तभी हैमेट को पिंकुस का कॉल आता है और पिंकुस उसको सारी बात बताता है और उससे कहता है कि टीम को तुम ही लीड करोगे। और फिर हम ग्रोसनी को देखते हैं जो यह काम बिना हैमेट के ही करना चाहता है और पूरा क्रेडिट खुद ही लेना चाहता है। पिंकुस सभी को एक ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में बताता है और कहता है कि एनाकोंडा की बॉडी पर उन लोगों ने एक चिप लगा दी है और अब उस चिप की मदद से एनाकोंडा को आसानी से ढूंढ सकते हैं। और फिर अमेंडा पिंकुस के ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने इस बारे में गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया और क्यों छुपाया। तभी पिंकुस कहता है कि हम जो काम कर रहे हैं वह गैर कानूनी है और तुमने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अगर तुमने भी किसी को बताने की कोशिश की तो तुम भी फंसोगी। और फिर अमेंडा कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ उसको पकड़ने चलूंगी। और फिर पिंकुस, ग्रोजनी, अमेंडा और पिंकुस का असिस्टेंट निक और बाकी की टीम जंगल में एनाकोंडा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और फिर हम जंगल में एक घर को देखते हैं। एक आदमी अपने घर में बैठा हुआ होता है और तभी उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है और जब वह घर के बाहर आता है तो देखता है कि उसकी जो बकरी है वह बाहर नहीं है और वह बकरी को ढूंढने के लिए अपने अस्तबल में जाता है और तभी वहां पर एनाकोंडा आकर उस आदमी को पूरा निगल जाता है। और फिर वह पूरी टीम ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से उस आदमी के घर पहुंचती है और सभी लोग गन लेकर एनाकोंडा को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर उन सभी को एक मरी हुई बकरी मिलती है जिसे एनाकोंडा ने खाने के बाद उगल दिया था और इसके बाद उन्हें एनाकोंडा की स्किन मिलती है और उस पर चिप भी लगी हुई होती है। अगर एनाकोंडा किसी इंसान को खा ले तो उसका शरीर बढ़ने लगता है। और जब ग्रोजनी एनाकोंडा को दूसरी ओर ढूंढने निकलता है तभी एनाकोंडा वहां आकर ग्रोजनी की पीठ में अपनी नुकीली दुम से उसे जान से मार देता है। और फिर सभी लोग एनाकोंडा पर बेशुमार फायरिंग करते हैं। एनाकोंडा जंगल में भाग जाता है और पूरी टीम जंगल में एनाकोंडा को ढूंढ रही होती है। और फिर तभी अमेंडा अपनी कार में सामान रख रही होती है और वहां पर अचानक से फीमेल एनाकोंडा आ जाती है। अमेंडा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वही हैमेट अपनी गाड़ी पर आता है, एनाकोंडा के ऊपर फायरिंग करके उसे वहां से भगा देता है। और फिर पूरी टीम भी हैमेट के पास आती है। हैमेट सभी लोगों से कहता है कि तब तक फायरिंग करना जब तक एनाकोंडा हिलना बंद ना कर दे। और हैमेट के पास बहुत बड़ी ट्रैकिंग डिवाइस होती है जिससे एनाकोंडा को ढूंढा जा सकता है। और फिर हैमेट और उसकी पूरी टीम एनाकोंडा को ढूंढने जंगल में चले जाते हैं सिवाय पिंकुस के। और फिर वह सभी दो टीमों में बढ़ जाते हैं। अमेंडा दो लोगों के साथ कार में एनाकोंडा का पीछा कर रही होती है और वहीं पर दूसरी ओर हैमेट ट्रैकिंग डिवाइस से एनाकोंडा का पता लगा रहा होता है। फिर तभी कार में बैठे एक आदमी पर एनाकोंडा अपने मुंह से ब्लड एसिड उसके मुंह पर फेंकता है जिससे
उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है और जो लेडी कार चला रही होती है वो एक पेड़ से टकरा कर नीचे जमीन पर गिर जाती है जिससे उसकी टांग टूट जाती है और फिर वहीं पर एनाकोंडा आकर उस लेडी को पूरा निगल जाता है। और हम देखते हैं कि एनाकोंडा कार के पास आता है और कार पर आग लग रही होती है और अमांडा कार से निकल कर भाग रही होती है। एनाकोंडा उसका पीछा कर रहा होता है और फिर अमांडा भागते भागते कीचड़ में गिर जाती है। एनाकोंडा एकदम उसके पास आ जाता है लेकिन एनाकोंडा अमांडा की बॉडी की गर्माहट नहीं सूंघ पा रहा था क्योंकि अमांडा की पूरी बॉडी पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए एनाकोंडा अमांडा को नहीं खाता है। और फिर हेमेट वहां आकर एनाकोंडा पर गोली चलाकर उसे जख्मी करता है। इसके बाद एनाकोंडा वहां से भाग जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद हेमेट अमांडा से पूछता है कि तुमने एनाकोंडा के साथ ऐसा क्या किया जिससे इसकी नोकदार दुम निकल आई है। अमांडा बताती है कि उन लोगों ने एनाकोंडा पर सीरम का इस्तेमाल किया था जिससे एनाकोंडा के डीएनए को बदला जा सके और शायद इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से एनाकोंडा इतने बड़े और खतरनाक होते जा रहे हैं। हेमेट अमांडा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अमांडा बताती है कि फीमेल एनाकोंडा प्रेग्नेंट है और वो 24 घंटे के अंदर अपने बच्चे को जन्म दे देगी और उसके बच्चे भी इसी की तरह खुकार होंगे। हेमेट उन्हें बताता है कि फीमेल एनाकोंडा अभी जख्मी होने की वजह से एक जगह ढूंढेगी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। हेमेट उन्हें बताता है कि उसे पता है कि वह जगह कहां पर है और फिर उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से पता चलता है कि एनाकोंडा इन इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में छुपा हुआ है और वह सब उस फैक्ट्री में जाते हैं। अमांडा वहीं पर रुककर उन्हें डिवाइस की मदद से एनाकोंडा की लोकेशन बताती है। वह जब फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं तो आखिर में पिंकुश खड़ा हुआ होता है और हेमेट और उसके दो साथी दूसरे फ्लोर पर चढ़ जाते हैं और अमांडा की बताई हुई जगह पर शूट करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर उनका मरा हुआ साथी मिलता है और उस पर वह चिप लगी होती है। फिर तभी पिंकुश जब अकेला होता है तब एनाकोंडा उस पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। अमांडा हेमेट को कॉल करके बताती है कि उसने एनाकोंडा को यहां से भागते हुए देखा है और फिर वह सभी अमांडा के पास पहुंचते हैं और एनाकोंडा का पीछा करने लगते हैं और वह लोग देखते हैं कि एनाकोंडा जो है वह नदी के सहारे सिटी के अंदर चले गए हैं और यह देखकर अमांडा और हेमेट बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और फिर अमांडा की बहुत रिक्वेस्ट करने पर हेमेट मिलिट्री को फोन करके उन्हें बैकअप भेजने के लिए कहता है। फिर अमांडा और निक ट्रैकिंग डिवाइस से एनाकोंडा का पता लगा रहे होते हैं। हेमेट और उसका साथी जंगल में एनाकोंडा के ब्लड का पीछा कर रहे होते हैं जो पत्तों पर लगा होता है और फिर अमांडा को एक गेस्ट हाउस दिखता है और वो निक को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि दोनों एनाकोंडा यहीं पर आए होंगे और वो इस गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसे वहां पर एनाकोंडा जाते हुए दिखते हैं और फिर निक और अमांडा उसके अंदर जाते हैं और धीरे धीरे पूरी जगहों को छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी एनाकोंडा नहीं मिलते। और फिर तभी एक एनाकोंडा निक को पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह से उसे जकड़ लेता है और जैसे ही एनाकोंडा निक को खाने वाला होता है निक ग्रेनाइड निकाल के एनाकोंडा के मुंह में फेंक देता है और फिर ब्लास्ट होने की वजह से एनाकोंडा वहीं पर मारा जाता है और साथ ही निक भी मारा जाता है। और ब्लास्ट की आवाज सुनकर हेमेट भी वेयर हाउस की तरफ बढ़ता है और फिर हेमेट अमांडा से मिलता है और उन्हें वहां पर एनाकोंडा के मरे हुए अंडे मिलते हैं और हेमेट का साथी तभी बॉम्ब लगाकर उस जगह को उड़ाने वाला होता है। तभी हेमेट अपने साथी को जान से मार देता है। तभी अमांडा समझ जाती है कि हेमेट भी मर्डॉक से मिला हुआ है और हेमेट अमांडा से बताता है कि उसे एक एनाकोंडा के बच्चे के बदले 1 करोड़ रुपए मिलेगा और वो इस एनाकोंडा के बच्चे को ऐसे ही नहीं मारने देगा। हेमेट अमांडा को गोली मार के उसे एनाकोंडा का चारा बनाने वाला था, लेकिन तभी अमांडा हेमेट पर अटैक कर देती है और उससे बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट करती है। पहले वो उसे जख्मी करती है और बाद में चाकू उसके पेट में घोंप देती है जिससे हेमेट का बहुत सारा खून निकलता है और वहीं पर फीमेल एनाकोंडा आ जाती है और उसके छोटे छोटे बच्चे भी। तभी अमांडा बॉम्ब का टाइम 1 मिनट सेट करके वहां से चली जाती है और इस वेयर हाउस में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिससे फीमेल एनाकोंडा मारी जाती है और उसके छोटे छोटे बच्चे भी। और फिर तभी एक आदमी उस जगह पर आता है और उसे एक एनाकोंडा का बच्चा मिल जाता है। वह उसे पकड़कर मर्डॉक को कॉल लगाता है और बताता है कि उसने एक एनाकोंडा के बच्चे को पकड़ लिया है और मर्डॉक उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन तुम जल्द से जल्द उस एनाकोंडा के बच्चे पर रिसर्च शुरू कर दो और एक सीरम बनाओ जल्द से जल्द। और फिर वहीं हम देखते हैं कि अमांडा बहुत ही दुखी होती है और उसने एनाकोंडा के ऊपर जो भी रिसर्च की होती है वो किसी के हाथ ना लगे, इसलिए वो जलाकर सब कुछ राख कर देती है। और फिर इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।